चलिए तो अभी देखते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले एडिशन ऑफ एफसीएन। एफसीएन को ऐड करके दिखा, देखिए इसका मैकेनिज्म वगैरह मैं सबको समझा चुका हूं लास्ट वीडियो के अंदर, आप लोग देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं भाई एडिशन ऑफ एफसीएन की तरफ। पहले सिंपल कर रहा हूं, जैसे कि हमारे पास कार्बन इन फैमिली के मेंबर है एल्डिहाइड या कीटोन, ऐसे लिखते हैं हमसे, इसमें आप लोग एफसीएन जोड़ोगे। तो एफसीएन जोड़ोगे तो आपको पता है यार ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इसमें ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो जो पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ेगा, जो नेगेटिव होगा इसके पॉजिटिव से जुड़ेगा। सिंपली आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हो, इसके पास जोड़ दो CN, इसके पास जोड़ दो OH, बस क्या दिक्कत है, आसान सा है। आप बात कर रहे हो एक एल्डिहाइड की, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये है, ये क्या है, प्रोपेनल है, इसमें आप लोग एससीएन जोड़ोगे, अगेन वही फंडा होगा, किसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसके पॉजिटिव इसके पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ता है, नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ता है, ये तो केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक ही है। तो क्या होगा यहां पर, CH3H यहां पर O, ठीक है, एक तरफ O कर दो, O के साथ क्या जोड़ोगे आप लोग H, और यहां पे इसके साथ क्या जोड़ने वाले हो CN। इसे बोलने वाले क्या है हम लोग, इसे बोलेंगे ये जब CNOH लग जाता है इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, साइनोहाइड्रिन। कैसा साइनोहाइड्रिन है, ये है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड इसे बोलते हैं। इथेनल का जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटल्डिहाइड, और उसके साथ आपने OHCN जोड़े हैं तो ये है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। समझ रहे मेरी बात को, अगर आप कुछ और करना चाह रहे हो लाइक ये C डबल बॉन्ड O, आप कीटोन के साथ करना चाह रहे हो CH3 इसके साथ करो, तो क्या होगा, इसमें आप जोड़ोगे HCN, तो अगेन वही बात होगी, ये C, ये CH3, ये CH3, ये O, ठीक है, इस O के साथ क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा, इसके साथ क्या जुड़ेगा, CN जुड़ेगा। इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसे हम लोग बोलने वाले हैं एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक है भाई। आप कुछ और भी कर सकते थे, लाइक ऐसे भी कर सकते, फील ओल्ड बॉन्ड ओ, यहां पे आप लोग बेंजीन रख लो, ठीक है, यहां पे H, क्या है ये, इट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, ये है एसीटोन, ये है एसिटल्डिहाइड, इसमें आप लोग एसीएन जोड़ो तो क्या होगा, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, सी ओ यहां पे CN जुड़ेगा, यहां पे H जुड़ेगा, यहां पे बेंजीन तो है ही, यहां पर एच भी है ही है। इसे हम लोग बोलने वाले हैं बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। फोकस कीजिए मेरी बात, बिल्कुल आसान सा है ये, तो है एक शॉर्टकट, जब आपको बुक्स के अंदर दे रखा है आपने इस तरह से कर देना, और यही सफिशियंट है। बट अगर कोई बच्चा समझना चाह रहा है कि सर मैकेनिज्म क्या हुआ है, कैसे होती है रिएक्शन, तो उसके एक बार देख लेते हैं, नोट कर लिया होगा ये, चलो सॉरी यार वो डस्टर नहीं रखा, अभी दूर रखा है इसलिए हाथ से साफ कर दिया। तो बात करते हैं क्या होगा, तो एफसीएन जो जैसे हमने यहां पे सिंपली ऐड कर दिया, एफसीएन उतने सिंपली जुड़ता नहीं है, बहुत स्लो होती है इसकी रिएक्शन, तो इसकी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमें यहां से न्यूक्लियोफाइल निकालना पड़ेगा, सीएन निकालना पड़ेगा आसानी से। तो यहां पे हम इसको रखेंगे एक बेसिक मीडियम के अंदर, जो यहां पे कैटलिस्ट का भी काम करेगा, जो इसके एच पॉजिटिव को निकाल लेगा और क्या बन जाएगा, H2O, और यहां पे हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अभी ये रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है, माना जाता है रिएक्शन इस तरह से होती है एक्चुअल में, ठीक है, ये स्टेप जो होता है रिवर्सिबल होता है। अभी क्या होगा, अभी हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड है, कीटोन है, मान लो हमने एल्डिहाइड मान लिया CH3, ये C डबल बॉन्ड O H, तो अभी क्या होगा, हमें पता है कि इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, इस पे नेगेटिव आना चाहिए, आएगा भी, तो यहां पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड होगा इस पोजीशन पे, ठीक है, तो कैसे, देखिए C, ये CH3, ये H, ये O, देखिए ये इलेक्ट्रॉन आ गए, ये जो दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास आएंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और उस कार्बन के पॉजिटिव को खत्म करेगा ये CN, यहां पे CN आया और इस ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव। अगेन बोलूंगा मैं ये स्टेप क्या है, रिवर्सिबल है, और ये स्टेप बहुत ही स्लो स्टेप होता है। क्यों होता है सर ये स्लो स्टेप, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, जब कोई एक स्टेबल कंपाउंड
टूट के अनस्टेबल में बनता है, आयनिक स्पीसीज हमेशा अनस्टेबल होती हैं, तो वो स्टेप स्लो होगा। ठीक है, कोई स्टेबल से अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा। ठीक है, चलिए अभी सी ऑक्सीजन नेगेटिव, सी एन यहां पे सी एच थ्री, यहां पे एच। अभी मैंने आपको बोला है कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ना एच ने है, ओ एच बनाना है आपने, तो यहां पे आप एक प्रोटोनेशन करा दोगे इसकी, एच पॉजिटिव आएगा एंड ये स्टेप फास्ट होगा। ये स्टेप क्या होने वाला है, फास्ट। क्यों होगा फास्ट, क्योंकि आयनिक से न्यूट्रल बनेगी, ज्यादा स्टेबल होगी ये चीज। तो यहां पे ये एच पॉजिटिव इस नेगेटिव से जुड़ेगा, ये बना ओ एच, ये बना सी एन, यहां पे है सी एच थ्री और यहां पे है एच। बस यही है, ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है, बुक में दिया हुआ, दर्शन मैंने आपको करवा दिया और वो इसके सिंपल शॉर्टकट है। इस तरह से आप लोग HCl को जोड़ सकते हो। ये है अपना पहला पार्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। नोट कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाओ एंड रिवीजन करो। ऑर्गेनिक में सबसे जरूरी है रिवीजन, दो दो तीन तीन बार इनको पढ़ो आप लोग, कीजिए नोट। तो आगे बढ़ते हैं एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अभी हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट बोलते हैं इसे, NaHSO3। कैसे होती है रिएक्शन इसको चेक करते हैं और फिर इसका शॉर्टकट देखेंगे। हम ये रिएक्शन कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन पे या कह लीजिए कार्बोनिल ग्रुप पे, कुछ इस तरह से है वो सी डबल बॉन्ड ओ। इसमें आप जोड़ोगे क्या, NaHSO3 ये जोड़ेंगे। तो होगा क्या, अभी आपको इसमें ये पता लगाना पड़ेगा इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो Na पर पॉजिटिव होगा एंड ये जो HSO3 है इस पे होगा नेगेटिव एंड ये स्टेप होता है रिवर्सिबल। एंड अगर आप यहां पे चेक करो तो एक्चुअल में क्या होता है, यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो क्या होगा, इस पे नेगेटिव आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये यहां पे आ जाएगा कुछ इस तरह से। फोकस करना मेरी बात पे, सी यहां पर एक तरफ ओ और एक तरफ ये, इसके साथ क्या जुड़ गया SO3H, क्या जुड़ गया SO3H और ऊपर ऑक्सीजन के पास क्या चला जाएगा, जिसपे नेगेटिव आएगा उस पर क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। संतारे मेरी बात को, क्या हुआ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, एनए पॉजिटिव एंड कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव से जो लव करते हैं उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लवर, जिन पे खुद नेगेटिव चार्ज होता है वो आगे इधर। अब हमें चीज देख के आए कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है हाइड्रोजन, OH बनता है, तो ये आगे होगा एंड यहां पे एक स्टेप होता है, इसको बोलते हैं प्रोटोन ट्रांसफर। क्या होता है, प्रोटोन ट्रांसफर। कैसे होगा प्रोटॉन ट्रांसफर, इसका Na इधर, ये अपनी पोजीशन ऐसे चेंज कर लेंगे, ऐसे सी ये O के साथ जुड़ा H और यहां पे SO3 Na इस तरह से। आगे ये बात समझे, अभी एग्जांपल करना चाह रहे हो आप, जैसे कि आपके पास एल्डिहाइड है सी, यहां पे लगेगा H, यहां पे लग गया CH3, तो अभी क्या करोगी, यहां पे डबल बॉन्ड ओ, इसके साथ जोड़ोगे आप NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट। तो होगा क्या, अब सिंपल यार, ये सीधे स्टेप को करो तो यहां से आप कुछ ऐसा शॉर्टकट निकाल सकते हो कि H पे पॉजिटिव है, NaSO3 पे नेगेटिव है, तो H पे जो पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन नेगेटिव से जुड़ेगा। आप इस रिएक्शन को सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, CH3 सी एच और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ दोगे, यहां से एच जोड़ दोगे और ये क्या बन जाएगा, SO3 Na। अगर आप चाहते हो कीटोन के साथ करना तो कीटोन के साथ कर दो, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 उसके साथ जोड़ दो NaHSO3, तो क्या होगा, यहां से ये कुछ ऐसे CH3 सी CH3 एक जगह ऑक्सीजन, और जनरली ऑक्सीजन को नीचे दिखाया जाता है तो आप भी ऑक्सीजन को नीचे दिखा सकते हो, और ये ऐसे इसके साथ क्या जुड़ेगा, SO3 Na डायरेक्ट और यहां पे H, ये शॉर्टकट है। बाकी एक्चुअल में अगर मैकेनिज्म के थ्रू बात करें तो कुछ इस तरह से होता है, क्लियर है। अभी एक जरूरी बात कि अगर हम यही रिएक्शन करके देखें डाई इथाइल कीटोन पे, डाई इथाइल कीटोन क्या होता है, C2H5 सी डबल बॉन्ड ओ C2H5 पे ऐसा कुछ करके देखें, या फिर आप करके देखो एसिटोफिनोन पे, एसिटोफिनोन क्या होता है, बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पे CH3 ये एसिटोफिनोन लगता है, या फिर आप करके देखो बेंजोफिनोन पे
सी डबल बॉन्ड ओ और ये बेंजीन। तो यहां पे ये रिएक्शन देखी नहीं जाती, अगर आप इनमें जोड़ना चाह रहे हो तो रिएक्शन नहीं होगी। और इसका आंसर दिया जाता है ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। मैंने बताया था, अब देखो जैसे ही दो बेंजीन ग्रुप हो जाते हैं, मैंने बताया था क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कई सारे रीजन होते हैं, एक तो रेजोनेंस बड़ा रीजन है और दूसरा रेजोनेंस भी बड़ा रीजन है, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करना चाहता है तो इन बड़े ग्रुप्स पे अटैक नहीं कर सकता। ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया है, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक्शन थी विद मैकेनिज्म, उसमें एक रहा है। तो जल्दी से इसको नोट करो अगले पार्ट। तो अभी करते हैं हम लोग एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट को कैसे ऐड हमने इसके अंदर करना है, फोकस करना। ये मैं आपको अल्कोहल फिनोल ईथर में भी समझा चुका हूं कि जैसे अगर मैकेनिज्म की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। ये हमारे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, तीनों एग्जांपल समझाऊंगा, क्योंकि इस मेथड से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल बनाते हैं। और जब हम इसमें ऐड करते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो एक ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड है, इस पे हल्का सा नेगेटिव होता है, इस पे हल्का सा पॉजिटिव, और यहां पे हल्का सा नेगेटिव, इस पे हल्का सा पॉजिटिव। तो यहां से जो नेगेटिव है ये अटैक करता है इस पे, और यहां से जो पॉजिटिव है ये अटैक करता है इस पे, ऐसे ही होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, यहां पे ये सी, ये ओ, यहां पे जुड़ा आर और यहां पे जुड़ गया ओ एम जी एक्स, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है अगर बात करें तो। फिर क्या होती है, इसकी एसिडिक हाइड्रेशन होती है, एसिडिक हाइड्रेशन बोले तो एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराओगे विद एच टू, यहां पे एच पॉजिटिव है, ओ एच नेगेटिव है। अब आप बताओ किसको कहां जोड़ोगे, इस बॉन्ड को जब हमने क्लीव किया था, जब हमने इस बॉन्ड को तोड़ा था तो हमने इस बॉन्ड को कुछ ऐसे तोड़ा था, फोकस करना, याद कर लो बहुत काम आएगी रिएक्शन। तो यहां पे क्या है, कुछ इस तरह सी आर, ये ओ, इस ओ के साथ क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे कुछ नेगेटिव है तो एच, और इस एम जी के साथ क्या जुड़ेगा, एम जी एक्स के साथ क्या जुड़ जाएगा, ओवर। तो ये होता है इसका सिंपल सा मैकेनिज्म और कुछ भी नहीं होता इसमें। अब बात करते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल आप कैसे बना सकते हो। सबसे पहले सी डबल बॉन्ड ओ और इसके दोनों बॉन्ड हम लोग पूरे कर रहे हैं एच से। इसके बाद क्या होगा, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करी किसके साथ, आर एम जी एक्स के साथ। तो क्या होगा भाई बताइए, ये आर तो आर के साथ ही जोड़ दो एम जी एक्स, बाकी बता दिया मैंने कैसे करोगे आप, ये सी यहां पे एच, एच यहां पे ओ, यहां पे कुछ जुड़ेगा जब डबल को हम ट्रांसफर कर देते हैं इस तरह से, तो ये क्या होगा, आर यहां पे आएगा, एम जी एक्स यहां पे आएगा, एंड फिर आप इसकी एसिडिक हाइड्रेशन करोगे एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से क्लीव करेंगे, ये सी यहां पे एच, एच आर यहां पे ओ एच, और ये एम जी एक्स ओ एच, समझ पा रहे हो। ये कौन सा अल्कोहल बना है, ये बना है प्राइमरी अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल बना है, प्राइमरी अल्कोहल। आगे बात करते हैं, तो ये तो हमने प्राइमरी अल्कोहल बना लिया, इसका शॉर्ट में भी बताऊंगा कैसे प्राइमरी अल्कोहल बनता है, कैसे सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। अभी बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, ये फॉर्मल्डिहाइड, एंड सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, एसिटल्डिहाइड की, एसिटल्डिहाइड बोले तो इथेनल की, सी एच थ्री, एंड यहां पे एच, इसकी रिएक्शन आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट आर एम जी एक्स या फिर लिख सकते हो सी एच थ्री एम जी बी आर, ये पोर्शन नेगेटिव है यहाँ पे, ये पोर्शन पॉजिटिव है यहाँ पे, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा जो पॉजिटिव है, कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा जो नेगेटिव है, कुछ इस तरह से सी ओ यहाँ पे देखिए तो एच है यहाँ पे सी एस थ्री, यहाँ पे क्या जुड़ेगा सी एस थ्री जुड़ा, ये वाला सी एस थ्री यहाँ पे जुड़ गया इस कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा ये एम जी बी आर। आगे बढ़ते हैं एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं, एसिडिक हाइड्रेशन में क्या होगा बताइए, यहां से फोकस कीजिएगा, ये बॉन्ड यहां से क्लिप होगा, इसके पास आएगा पॉजिटिव एच आएगा मतलब, और इसके साथ कौन जुड़ेगा OH, तो ऐसे देखिए सी सी एस थ्री, सी एस थ्री एच यहां पे OH, और ये एम जी बी आर और इसके साथ OH, इस तरह से आ रही समझ में। चलो अभी लगे हाथ टर्शियरी भी बना ही देते हैं, टर्शियरी अल्कोहल कैसे बनाओगे आप लोग, सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे, ये आप लोगों कीटोन सी एस थ्री, सी एस थ्री
इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करी वही ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ आर एम जी एच में मानो आप कुछ भी लिख सकते थे सी एच थ्री एम जी बी आर सी एच थ्री एम जी सी एल सी टू एच फाइव एम जी सी एल जो भी दिल करे ठीक है। कार्बन वाला क्वेश्चन कार्बन के साथ ही जोड़ना है हमने क्यों जोड़ना है ये भी मैंने बता दिया आपको ठीक है। यहाँ पे सी एच थ्री यहाँ पे सी एच थ्री यहाँ पे सी एच थ्री और यहाँ पे ओ के साथ कौन जुड़ेगा एम जी बी आर फिर आप इसकी एसिडिक हाइड्रेशन करोगे ठीक है। तो ये बॉन्ड यहां से क्लिप होगा एक्चुअल में यहां से इस बॉन्ड को क्लिप करोगे तो कर दीजिए क्लिप सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री इस ओ के साथ एच और ये एम जी बी आर के साथ कौन जुड़ेगा और जुड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हो ये दिखाई दे रहा होता है टर्शियरी अल्कोहल है कैसे है टर्शियरी अल्कोहल जिस कार्बन के साथ ओएच जुड़ा है वो तीन कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ है ये कार्बन इसके साथ ओएच जुड़ा है ये दो कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी सेकेंडरी है जिस कार्बन से ओएच जुड़ा है वो एक कार्बन जुड़ा तो प्राइमरी है। अब देखो एक कार्बन ग्रुप ग्रिग्नार्ड एजेंट लेके आएगा तो अगर आपको प्राइमरी बनाना है तो जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके पास एक भी कार्बन नहीं होना चाहिए तो आपने यहाँ पे एक भी कार्बन नहीं लिया है। अगर आपको सेकेंडरी बनाना है तो एक ले लो क्योंकि एक तो ग्रिग्नार्ड एजेंट लेके आएगा। टर्शियरी बनाना है तो दो कार्बन के ग्रुप ले लो क्योंकि एक तो ग्रिग्नार्ड एजेंट लेके आने वाला है समझ आती बात। और यही तो सिंपल सी रिएक्शन है फोकस करना कि यहाँ पे आपने एक भी कार्बन का ग्रुप नहीं लिया यहाँ पे एक लिया है यहाँ पे दो लिए मतलब टर्शियरी बनाने तो दो ग्रुप लिए सेकेंडरी बनाने तो एक ग्रुप लिया प्राइमरी बनाने तो एक भी ग्रुप नहीं लिया बस यही है सारे का सारा फंडा। कार्बोनिल ग्रुप से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये बनती है। नोट कीजिए सारे का सारा ये सिंपल सा मैकेनिज्म रहता है कि भैया ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट करेगा और यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल से ज्यादा ये नॉन मेटल कार्बन वाला ग्रुप नॉन मेटेलिक है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ेंगे फिर एसिडिक हाइड्रेशन करेंगे ये है जल्दी से निपटाओ इसको नोट कीजिए स्पीडली। तो नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की कौन सी एडिशन ऑफ एल्कोहल क्लीन कर चुके ना अभी एडिशन ऑफ एल्कोहल देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बनती है कोज ये थोड़ा लीक से हटके है ऐसे नहीं जितनी आसान पहले वाली जितनी आसान नहीं है ये थोड़ा सा अलग है इसमें क्लियर। तो देखिए अच्छा ये जो एल्कोहल आप जोड़ोगे या आप जोड़ोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई एल्कोहल सॉरी ड्राई एक्सीएल गैस ठीक है ध्यान से समझिएगा होता क्या है एक्चुअल में। तो भैया क्या किया आप लोगों ने लिया एक कार्बोनिल ग्रुप या कह लो एल्डिहाइड ठीक है ये है एल्डिहाइड सी एस थ्री सी डॉट बॉन्ड और यहां पे लगा एच या यहां पे आप आर मान लो ऐसे कर लो इसको। अब इसमें आप एल्कोहल जोड़ोगे एल्कोहल आपने जोड़ा आर डैश ओ एच क्या जोड़ा आर डैश ओ एच तो अभी क्या होगा भैया अच्छा ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एचसीएल गैस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एचसीएल गैस तो इसको आपने ब्रेक करना है आर डैश ओ एच को आप ब्रेक कैसे करोगे याद रखिए इसकी जो ब्रेकिंग होगी ये कुछ इस तरह से होगी एच पॉजिटिव आर डैश ओ नेगेटिव एच पॉजिटिव आर डैश ओ नेगेटिव क्लियर है सिर्फ इतना याद रखो। अभी हम देखते हैं कि जो ये कार्बोनिल वाला बॉन्ड होता है शिफ्ट होता है ऑक्सीजन की तरफ तो ऑक्सीजन पे हल्का सा नेगेटिव आएगा इस पे हल्का सा पॉजिटिव आएगा तो इसका नेगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ेगा ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से जुड़ेगा। तो अभी क्या होगा यहां पर आप देखिए सी ये आर ये एच ये ओ के साथ क्या जुड़ा एच जुड़ा एंड इस साइड क्या जुड़ गया ओ आर जुड़ गया। तो आप देख पा रहे हो ये ओ आर बना है इथर बना है ओ एच बना है अल्कोहल बना है इसे बोलते हैं हम लोग हैमी एसिटर हैमी एसिटर क्या बोलते हैं इसे हैमी एसिटल एंड ये क्या होता है अनस्टेबल कंपाउंड होता है अनस्टेबल क्यों क्योंकि मैं फर्दर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा सकता हूं। आप एक बार और अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराइए आर डैश ओ एच अब देखिए क्लीवेज कैसे होगी अगेन वही फंडा है आर डैश ओ जो रहेगा वो रहेगा नेगेटिव एच क्या रहेगा पॉजिटिव आर डैश ओ नेगेटिव और एच क्या रहेगा पॉजिटिव ये रिएक्शन भी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एचसीएल गैस की प्रेजेंस में होती है फोकस करना भी होगा क्या यहां से आपने इस ओएच को रिमूव करना है और इस ओएच की जगह कौन जाएगा
ये जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा सी ये आर ये एच ये ओ आर डैश आर एस है ना, और ये ओ आर डैश, इसे कहते हैं हम लोग एसिटल। क्या कहते हैं? एसिटल। और ये क्या है? हैमी एसिटल, अर्ध एसिटल है, तो जिसको और ज्यादा आप लोग एक और इथर ग्रुप इसमें जोड़ सकते हो, और प्लस में क्या बन जाता है यहां पर? वॉटर बन जाता है। समझ पा रहे बात को? मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने प्रॉपर एक एल्डिहाइड लिया सी एस थ्री सी एच और ये डबल बॉन्ड ओ, आप इसमें अल्कोहल जोड़ रहे हो सी टू एच फाइव ओ एच इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एचसीएल गैस, की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कराई, ठीक है। अच्छा, जितनी बार, वैसे मैं बताऊं, दो बार आप OH के साथ ट्रीट कर सकते हो। अगर आप एक ही बार दो OH को ले आओ तो एक ही स्टेप में सब कुछ खत्म हो सकता है। अगर आप दोनों OH एक बार में ले आओ तो सब कुछ एक ही बार में खत्म किया जा सकता है। देखिए अभी यहां पे क्या होगा, ये पोर्शन नेगेटिव है, ये पोर्शन पॉजिटिव है, यहां पे ये पॉजिटिव रहेगा ये नेगेटिव रहेगा, करवाओ अटैक, ये सी ये एच ये सी टू एच फाइव, ऑक्सीजन को रखो यहां, यहां पे इस कार्बन पे क्या जुड़ेगा O C2 H5, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा, ठीक है। अभी आगे क्या करेंगे हम लोग? आगे हम दोबारा से इसके अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे, ये क्या है? हेमिएसिटल है, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप दोबारा C2 H5 OH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस आप इसकी रिएक्शन करोगे तो क्या होगा भैया? इसको यहां से क्लीव कर दो, यहां से इसको तोड़ो और इसी जगह इसको जोड़ दो, तो ये H और ये OH क्या बन जाएंगे? H2O। कहने का तात्पर्य क्या है? यहां पे C2H5 नहीं था, यहां पे ये CH3 था। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? एंड दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़ाते हैं तात्पर्य को, OC2H5 और ये OC2H5, इसे बोलते हैं एसिटल, एसिटल्डिहाइड। और आपने एसिटल्डिहाइड लिया था एंड इथाइल एसिटल, एसिटल्डिहाइड इथाइल एसिटल इसे हम लोग बोलते हैं, क्लियर। आप कुछ और काम भी कर सकते हो, कुछ और काम क्या कर सकते हैं सर हम? देखिए एच सी सी एस थ्री डबल बॉन्ड ओ, ये है आपके पास एल्डिहाइड एंड इसकी रिएक्शन आप करा सकते हो इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। क्या होता है सर इथाइलिन ग्लाइकोल? पता होगा आप लोगों ने, देखा भी होगा, पॉलीमर यूनिट में था, पॉलीमर का वन शॉट करवा चुका हूं मैं, नहीं चेक किया तो करना चाहिए, सात यूनिटों का हो चुका है और बाकी यूनिट अभी जल्दी जल्दी आ रहा है। तो अभी क्या होगा भैया, आपने देखिए दो OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराते हो इस रिएक्शन में, तो दो बार ड्राई HCl आता है और यहां पर दो OH आप पहले स्टेप में लेके आ रहे हो, तो क्या हो सकता है यहां पर? ये हो सकता है जैसे वहां पर H2 बना है तो यहां पर आप लोगे ड्राई HCl गैस, तो इसमें पहले में ही H2 बाहर निकल गया, ठीक है, ये C ये H ये CH3 ये O ये CH2 ये CH2, इसे बोलते हैं साइक्लिक एसिटल। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इसे हम लोग बोलते हैं साइक्लिक एसिटल, साइक्लिक एसिटल। देखो ना भाई, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना तो इसे हम लोग बोलेंगे साइक्लिक एसिटल। अगर आप यही रिएक्शन कीटोन के साथ ट्राई करना चाह रहे हो, कीटोन के साथ अगर आप ट्राई करना चाहते हो कि एक अल्कोहल लो फिर दूसरा अल्कोहल लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। कीटोन के साथ आपको दो OH ग्रुप वाला ही लगाना पड़ेगा, मींस टू से आपको इथाइलिन ग्लाइकोल ही लगाना पड़ेगा। कैसे कह रहा हूं, देखिए आपके पास यही कीटोनिक ग्रुप, होप कि सभी कुछ सही से दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये है कीटोन, आपने इसकी रिएक्शन कराई इथाइलिन ग्लाइकोल से सी एच टू CH2 OH OH, तो क्या होगा यहां से O यहां से H। भैया एक्चुअल में देखो पानी से वहां पे बाहर निकाला था, ठीक है, वहां पे दो स्टेप के बाद पानी निकलता है, यहां पे एक स्टेप के बाद पानी निकल जाता है, ठीक है। किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? ड्राई HCl गैस की, ठीक है। और माइनस क्या करोगे? H2 माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा? CH3 C सी एस थ्री डबल बॉन्ड नहीं ऐसे ओ ओ सी एस टू ऐसे आ रही समझ में। एंड ये भी साइक्लिक है, ये एसिटल नहीं कहलाएगा, हम लोग बोलेंगे किटल, साइक्लिक किटल। क्या है सर साइक्लिक किटल?
ये अपने कीटोनिक ग्रुप से बनाया ना, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, साइक्लिक कीटल रख दिया। बात समझ आ रही है? तो बस यही है एडिशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के साथ दोबारा बता रहा हूं आपको, इसमें आर डैश ओ नेगेटिव जो होगा वो नेगेटिव पोर्शन है, एच पॉजिटिव होगा। तो आप लगाओगे नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव से, फिर यहाँ पे आप दोबारा एल्कोहल लेके आओगे, क्योंकि एक्चुअल में जब आप एल्कोहल के साथ ट्रीट करोगे तो पानी तो बाहर निकालना है। पानी निकाल लिया, आपके पास एसिटल बन गया, दो एल्कोक्सी दो इथर ग्रुप बन जा रहे हैं आपके। इस तरह से यहाँ पे ओआर ग्रुप कह सकते हो आप उसे, इथर ज्यादा सही वर्ड नहीं लगता। फिर आपने करके दिखाया एक एग्जांपल, फिर आपने किया कि एक ही ऐसा ले लिया जिसके पास दो एच ग्रुप लगे हैं, तो एक ही स्टेप में पानी बाहर निकल सकता है। कीटोन में आप लोग एक ही एल्कोहल के साथ ट्रीट नहीं कर सकते, आपको दो एल्कोहल ग्रुप एक साथ लगाने हैं, ठीक है। बस यही है एडिशन ऑफ एल्कोहल। तो ये सिंपल जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के जितने भी टाइप थे यही थे। इसके बाद हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है वो भी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें पहले सिंपल हो रहा ना, बाद में लॉस हो रहा है, उसमें पहले ही स्टेप में लॉस होगा। नोट कीजिए, जल्दी करते हैं। सही,